ब्रीड, आप लोग चाहे कोई भी परचेज करो उसमें आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, चाहे वो फैमिली डॉग ब्रीड हो, गार्ड डॉग ब्रीड हो या फिर स्मॉल साइज में। वैसे अगर फैमिली डॉग ब्रीड की बात करें तो इस ब्रीड को सबसे ऊपर माना जाता है, लेकिन भाई आप लोग अपने ओपिनियन मुझे जरूर शेयर करें कि आप लोगों के हिसाब से सबसे बेस्ट फैमिली डॉग ब्रीड कौन सी है। वैसे तो इस ब्रीड को ही सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है फैमिलीज में, क्योंकि इस ब्रीड में आप लोगों को हर एक वो क्वालिटीज मिल जाएंगी जो एक परफेक्ट फैमिली डॉग ब्रीड में होनी चाहिए। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इजी टू ट्रेंड होते हैं एंड भाई फैमिलीज के लिए बहुत ही फ्रेंडली भी। लेकिन आप लोग हमेशा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डॉग्स को परचेज करें, क्योंकि क्या होता है जब आप लोग किसी से डिस्कस करते हैं तो वो आप लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं देखते हैं, बल्कि अपनी फेवरेट डॉग ब्रीड आप लोगों को बताते हैं। तो आप लोग इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें। वैसे अगर आप लोग इस लैब्राडोर को परचेज कर रहे हो तो आप लोगों को बता दूं कि ये जो लैब्राडोर है ना, ये एक फीमेल है और भाई कैसे रजिस्टर्ड है। वैसे इसके अलावा आप लोगों को एक ऑप्शन और मिल जाएगा और वो भी इसी डॉग ब्रीड में। तो ये जो ब्लैक कलर की फीमेल आप लोग देख रहे हैं, ये ऑलरेडी 2 लीटर दे चुके हैं, फीमेल फुल्ली रिजल्ट प्रूफ है। लेकिन भाई इसकी टेल मुझे थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, इसका रीजन क्या है ये आप लोग डॉग ओनर से जरूर डिस्कस कर लें। तो जब आप लोग इस फीमेल को परचेज करो तो इसके पेपर्स और इसकी माइक्रोचिप आप लोगों को हैंड टू हैंड मिल जाएगी। बाकी मुझे ये चीज कंफर्म नहीं है कि इसने लास्ट लेटर कब दिया था, तो ये भी आप लोग पूछ लें ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि फीमेल हिट पर कब आने वाली है। वैसे एज के बारे में तो उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा कि कितने साल के हो चुके, ये चीज आप लोगों को इसके पेपर्स पर मिल जाएंगी। बाकी उन्हें जो इसके प्राइस की डिमांड की है ना, वो विद पेपर्स की है 10,500 रुपीज, यानी 10,500 रुपए। तो भाई किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो ये तो थोड़ी सी बड़ी फीमेल थी रिजल्ट प्रूफ दी। लेकिन फिलहाल जो आप लोग देख रहे हैं ये एक सेमीडल लैब्राडोर है और ये भी एक फीमेल है। तो जिन लोगों को थोड़ी सी छोटी फीमेल चाहिए वो लोग इसे कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये गोल्डन कलर में है। तो इस फीमेल को भी परचेज करके आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि भाई उन्होंने सभी वैक्सीनेशन कंप्लीट करा रखे हैं एंड साथ में आप लोगों को इसका कार्ड वगैरह भी मिल जाएगा। तो परचेज करते टाइम इस चीज को लेना बिल्कुल ना भूलें एंड साथ में ओनर से इसकी डाइट प्लान के बारे में अच्छे से डिस्कस जरूर कर लें कि फिलहाल ओनर इसे खाने में क्या दे रहे हैं। बाकी इन दोनों में से आप लोग किसी को भी परचेज कर लो, लेकिन गार्डिंग वाले इनसे कोई भी एक्सपेक्टेशंस ना रखे भाई, क्योंकि ये एबिलिटीज इस डॉग ब्रीड में बिल्कुल भी नहीं होती। एंड प्लीज गाइस, एक रिक्वेस्ट मैं सभी उन डॉग लवर्स से करना चाहूंगा जो डॉग्स को प्यार करते हैं, भाई प्लीज अपनी फीमेल को फर्स्ट हिट पर कभी भी क्रॉस ना कराएं, क्योंकि यार 7-8 महीने तक तो ये खुद ही बच्चे होते हैं, भाई बच्चे देने में कैसे कैपेबल हो सकते हैं। एनीवेज अगर इसकी एज के बारे में बात करें तो ये लैब्राडोर 5 मंथ्स की हो चुकी है और ओनर की जो लोकेशन है वो है कंजियावाला, दिल्ली NCR से। आप लोग डायरेक्ट जाकर ही इन्हें परचेज कर सकते हो, क्योंकि डिलीवरी का ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिल रहा, ओनर डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करा सकते। एंड फाइनली अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो ये फीमेल भी काफी अच्छी क्वालिटी में है, कंप्लीट वैक्सीनेटेड है। तो ओनर जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो किया 5,500 रुपीज, यानी 5,500 रुपए। लेकिन प्राइस नेगोशिएबल है, बार्गेनिंग कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो अगर पसंद आई।